दमार पद गान के इस कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। राग धनाश्री में हम पद का श्रवण करें। माई मेरो मन मोहयो सांवरे, अब घर हो मोपे रहो न जाए। इस पद में दान लीला की भावना है और खेल के दिनों में जब ठाकुर जी को मुकुट का श्रृंगार होता है तब कई घरों में यह पद प्रभु के सन्मुख गाया जाता है। सखी कह रही हैं कि मेरे मन को सांवरे ने जब से मोह लिया तब से मुझे घर पर रहना सुहाता नहीं है। आपने अपनी चंचल भ्रुकुटी के इशारों से मेरे मन को चुरा लिया है। जब मैं वृंदावन के मग से गोरस लेके निकसी तब अचानक आकर आपने मेरी दही की मटकी को गिरा दिया, फोड़ डाली और मेरा अंचल पकड़ के पूछने लगे, अरे सखी तू कौन की बहू है, किसकी नारी है, इस मार्ग से कई बार तू निकली, हमारा दान चुका कर गई है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपने मेरे अंगों का स्पर्श किया, मेरे कपोल छुए, मुझे बीरी खवाई और मुझे गलबैया देकर बातों में लगाकर ठाकुर जी गहवर सघन कुंज में लेके मुझे गए। दान के बहाने मुझसे और ही कुछ लीला करने लगे, आगे क्या कहूं सखी, आगे मुझे बोलने में शर्म आ रही है, लाज आ रही है, तू मेरे अंग की दशा ही देख, तू अपने आप समझ जाएगी। माई मेरो मन मोहयो सांवरे, अब घर हो मोपे रहो न जाए। आओ अब मैं इस पद का गान करूंगा। माई मेरो मन मोहयो सांवरे, अब घर हो मोपे रहो न जाए। मेरो मन मोयो सांवरे, अब घर ही मोपे रहो न जाए, अब घर ही मोपे रहो न जाए, अब घर ही मोपे रहो न जाए। चपल सर्वस्व ही मेरो लियो है चुराय, सर्वस्व ही मेरो लियो है चुराय, सर्वस्व ही मेरो लियो है चुराय। श्री वृंदावन मंझार, श्री वृंदावन मंझार, श्री वृंदावन मंझार, आए अचानक मटुकी हो मेरी दीनी ढार, मटुकी हो मेरी।
पटने वे गहे लई बहो से बहो मेरे पान कपोले पर से बहो मेरे पान कपोले पर से बहो मेरे पान कपोले हंस भी हो मेरे मेले बाहीवा हो मेरे मेली बाहीवा हो मेरे मेले बाह मिसही मिस मोहिले चले गहवर हो अंधियारे माह गहवर हो अंधियारे माह गहवर हो अंधियारे बतिया नहीं मेरे पर से पाया बतिया नहीं मेरे पर से पाया बतिया नहीं मेरे पर से पाया करतब सीखी मिलन की सनमुखरी मेरे नैन चलाया सनमुखरी मेरे नैन चलाया सनमुखरी मेरे और कहाँ लग बरनिए कहत बहो मोहे आवे लाज कहत बहो मोहे आवे लाज कहत बहो मोहे आवे लाज जन त्रिलोक प्रभु सौरमी जन त्रिलोक प्रभु सौरमी देख सखी मेरे तन को साज देख सखी मेरे तन को साज देख सखी मेरे तन को साज अब घर ही मो पे रहयो न जाए अब घर ही मो पे रहयो न जाए अब घर ही मो पे रहयो न जाए राग काफी में कीर्तन का श्रवण करें शब्द हैं नेह लग्यो मेरो श्याम सुंदर सो ये होरी ख्याल का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं कि होरी के दिन आए तब सखी उस लीला का ध्यान करके उद्धव जी पधारे हैं जब ब्रज में तब उनके सन्मुख कह रही हैं कि हे उद्धव
मेरा नेह श्याम सुंदर से लग गया है। देखो बसंत ऋतु आ गई, वन सभी फूल रहे हैं, खेतों में चारों ओर सरसों फूली है, प्रकृति पूरी तरह से खिल रही है, जबकि मैं मेरे पिया के विरह से पीली हो रही हूं। अधरों से मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम बंसीधर को जाके कहना उद्धव, फागुन में सब अपने अपने पिया के संग होरी खेल रही हैं, पर मैं पिया के वियोग में जोगन बनके हाथों से धूल उड़ाती फिर रही हूं, मथुरा की डगर से चली जा रही हूं। हे उद्धव, द्वारका जाके श्री हरि से मेरी इतनी अरज जरूर कहना कि जब से श्री हरि ये ब्रिज को छोड़ के घर से गए हैं, विरह व्यथा से जी जलता रहता है, आपके दर्शन के लिए तरस रही हूं मैं। सूरदास जी के श्री गिरधर कृपा सिंधु से इतनी अरज है कि भव नदी बहुत गहरी है और मेरी तन रूपी नैया पुरानी है, गहरी नदियां नाव पुरानी, मुझे अब की बार भवसागर से उबार लो, यही श्री राधावर से मेरी याचना है। हे उद्धव, नेह लग्यो मेरो श्याम सुंदर सो, नेह लग्यो मेरो श्याम सुंदर सो। आओ राग काफी में हम इस पद का श्रवण करें। सुंदर सो ने हा
कहियो इतनी अरज मेरी हारी सो बिरहन बेखास जियरा डरा डरा बेखास जबत गए हरी घर सो दरस दे घन को तरसो नेहल जो मेरो श्याम सुंदर सो सूरदास नेहल जो मेरो श्याम सुंदर सो सूरदास मेरी इतनी सागर सो रज मेरी राधा भर सो नेहल गो मेरो श्याम सुंदर सो नेहल गो मेरो श्याम सुंदर सो नेहल गो मेरो श्याम सुंदर सो यो मेरो श्याम सुंदर सो श्याम सुंदर सो श्याम सुंदर सो। राग काफी में अब हम श्रवण करेंगे वाघंबर ओढ़े सांवरो। ये पद शिवरात्रि के दिन गाया जाता है कई घरों में सन्मुख दर्शन में कई घरों में औसरा में गाते हैं। महादेव जी परम वैष्णव हैं। ठाकुर जी वाघंबर धर के जोगी का रूप धर के आप रावल पधारे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह कौन जोगी है,
वहीं वहां प्रभु ने शंख की ध्वनि छोड़ी और शंख का शब्द सुनते ही जहां तहां ते सब दौड़कर एकत्रित हुई व्रज नारियां। कुंवरी राधा जी के मुख को देखकर प्रभु ने आसन लगाकर विराजमान हो गए। प्रभु राधा जी ने पूछा, तुम कौन देश से आए हो? तुम्हारी इच्छा आगे कहाँ पे जाने की है? और मोहन मुनि घर बैठे आ गए हैं। आंखों से इस प्रकार इशारा करके बतला रहे हैं, शुंगी पत्र भभूत की थैली, सिर पे चंदन की खोर लगा रखी है। सखी कह रही है, ए सखी मेरी मान, मेरा मन तो यही कहता है, ए राधा ये तेरा ही कांत है, अरे और कोई नहीं। देख ये अपने तिरछे चंचल नैन और मधुर मुस्कान है इनकी, अरे ये जोगी नहीं है, ये तो वियोगी भोगी है, जैसे कोई भौरा हो। वृषभानंदी ने हंसकर पूछा, एक बात का उत्तर दो, आपका वेश तो तपस्वी जोगी को है आपको, और आप तो वन में रहना, आपको तो वन में रहना चाहिए, तो वन को छोड़कर क्यों आप घर घर भटक रहे हो? तब जोगी जी ने राधा जी को भभूत की चुटकी दी और वहीं से वाघंबर उतार कर आप पधारे चले हैं वाघंबर झारी। और इतने अल्प समय में थोड़ी सी चितवन में ही मन हर लिया, सभी स्त्रियां मोहित हो गईं, नगर हो या घर रात दिन उदास रहती राधा जी के नेत्र चकोर जैसे हो गए, जिन्हें अब हरि दर्शन की प्यास सता रही है। तरह तरह के उपायों से नैनों की कोर से निरख कर तन मन हर लिया। जगन्नाथ जीवन जग जीवन श्री माधव के प्रति चारों ओर से प्रीत अब बढ़ी चली जा रही है। आओ इस पद का हम श्रवण करें, राग काफी में, वाघंबर ओढ़े सांवरो या मैं जोगी को हूं नर कौन। वाघंबर